हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का जो आपका चैप्टर नंबर एट है ना टिग्नोमेट्री उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो कई बार आपके पास बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है इस चैप्टर के हमने और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं एक प्ले बनी हुई है सारे क्वेश्चन उसमें हैं ठीक है तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं आपको प्रूफ करना है टेन क्यूब ठीठा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ठीठा प्लस कॉट क्यूब ठीठा अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ठीटा को किसके बराबर करना है सेक थीटा कॉसैक थीटा माइनस टू साइन ठीठा कॉस ठीटा के ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड ही यूज़ कर लेते हैं चलो हम अपनी यहाँ पर तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ले ली तो वो है मेरे पास यहाँ पर टेन क्यूब थीठा अपॉन में मेरे पास वन प्लस का टेन स्क्वायर ठीठा एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ उसके बाद सॉल्व करूँगी ठीक है तो नीचे तो आप देख लो ना आइडेंटिटी लग रही है तो ये हो जाएगा टेन क्यूब थीठा अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीठा यह कॉट क्यूब थीठा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कौशे थीटा आइडेंटिटी साथ साथ लिखनी है आपको वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटर जो है वो आपका सेक स्क्वायर थीठा के बराबर होता है और वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो आपका कौशक स्क्वायर थीठा के बराबर होता है क्लियर आप क्या कर सकते हैं हम देखो टेन क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिखोगे तो साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अगेन यहाँ पर लिख सकते हो कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा और कॉसैक को लिख सकते हो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ठीक है ना अब यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ क्यूब है एक बचेगा ऐसे ही यहाँ पर एक बचेगा तो यह आ जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा अपॉन में आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा और यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉस क्यूब ठीठा अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन ठीठा एल्सियम लेके बेस को सेम कर दूँ तो साइन ठीठा कॉस ठीठा एल्सियम ले लिया तो यहाँ आ जाएगा साइन के पार फोर ठीठा प्लस कॉस के पार फोर ठीठा क्लियर इसको मैंने थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया और इसमें कॉस स्क्वायर ठीठा का होल स्क्वायर कर दिया ठीक है नीचे वाला अभी भी ऐसे ही लिखा है उसमें कोई चेंज मैंने नहीं किया है अब यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी वो थी मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का होता है टू ए बी ठीक है ना तो ए प्लस बी मतलब कि साइन स्क्वायर थीठा प्लस कॉस स्क्वायर थीठा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब टू साइन स्क्वायर थीठा कॉस स्क्वायर थीठा अपॉन में आपके पास है यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा अब आपको पता है कि जो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो वन होता है वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में आपके पास यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा ऐसी है ऐसा करो इन्हें अलग अलग कर दो वन के नीचे भी इसको लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा को और टू के नीचे भी लिख दो तो वन अपॉन साइन तो मेरे पास क्या होता है कॉसेक और वन अपॉन कॉस सेक होता है तो ये आ जाएगा सेक थीटा और कॉसेक थीटा माइनस एक 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 कट गए यहाँ बचा आपके पास टू साइन थीटा और क्या बचा एक कॉस थीटा यही आपकी राइट हैंड साइड है हेंस प्रूफ देख लो आप अपनी राइट हैंड साइड क्लियर तो ये था बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने किया है जहां जहां आइडेंटिटीज यूज होनी है वहां आइडेंटिटीज लिखनी है साथ साथ तो वरना बोर्ड एग्जाम में इसके नंबर कटते हैं कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू